पेशाब करके बाहर आए वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद अब वजू के लिए अगर बैठोगे तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो, तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी। इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने फुकहाए इकराम ने फरमाया ऐ बंदे तुझे इबादत अल्लाह की करनी, अल्लाह को राजी करना है, और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ कर। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो इस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा।